हमारे बचपन में अक्सर हमसे बड़े हमें मिल्खा सिंह की कहानी सुनाते थे कि किस तरह ये ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में भारत के लिए मेडल लाने से महज सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गए थे। ये सुनकर जहां थोड़ा बुरा भी लगता था कि काश वो मेडल जीत जाते, वहीं बहुत प्रेरणा भी मिलती थी कि इन्होंने इतने बड़े लेवल पर ना केवल देश को रिप्रेजेंट किया है बल्कि पूरे देश को गौरव भी महसूस कराया है। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिनको इनकी कहानी ने प्रेरित किया होगा। आज हम द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 18 जून 2021 को 91 वर्ष की उम्र में कोरोना के चलते वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे थे और ट्रैक पर काफी तेज दौड़ने वाले मिल्खा सिंह जिंदगी की रेस पूरी कर चल बसे। इसके कुछ दिन पहले ही इनकी पत्नी निर्मल कौर भी कोरोना की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गई। आप में से बहुत से लोग मिल्खा सिंह के बारे में जानते होंगे और कुछ शायद ना भी जानते हों, पर आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको इनकी कहानी शुरू से बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन्होंने ना जाने कितने ही मौकों पर हमारे देश को गौरव महसूस कराया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमारा छोटा सा ट्रिब्यूट इस लेजेंड के लिए। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब में हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में आता है। मिल्खा सिंह के कई भाई बहन थे जिनमें से 8 तो भारत के विभाजन से पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान ही वो अनाथ हो गए थे क्योंकि इस दौरान उनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। मिल्खा ने सारा मंजर खुद की आंखों से देखा था और आगे कई सालों तक ये यादें उन्हें सताने वाली थी। पंजाब में लगातार चल रही हिंसा से परेशान मिल्खा सिंह 1947 में दिल्ली आ गए जहाँ वो कुछ समय तक अपनी बहन के यहाँ रहे। इस दौरान उनको एक बार ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करने के चक्कर में जेल भी जाना पड़ा था और उनकी रिहाई के लिए उनकी बहन को अपने कुछ गहने भी बेचने पड़े थे। इसके अलावा वो कुछ समय के लिए पुराना किला रेफ्यूजी कैंप में भी रहे थे। मिल्खा सिंह जीवन से काफी परेशान हो गए थे और एक वक्त पर उन्होंने डकैत बनने तक का भी सोच लिया था, पर अपने भाई मिल्खान के समझाने पर उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला करा। अपने चौथे प्रयास में उन्होंने सफलतापूर्वक आर्मी की भर्ती निकाल दी। 1951 में वो सिकंदराबाद में पहली बार एथलेटिक्स से रूबरू हुए। इससे पहले तक उनको ना तो ओलंपिक्स का पता था और ना ही एथलेटिक्स का। उनकी कमाल की नेचुरल रनिंग एबिलिटीज के चलते आर्मी ने उनको एथलेटिक्स की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करा और यहीं से मिल्खा सिंह से द फ्लाइंग सिख बनने का सफर शुरू हुआ। उस समय भारत में एथलेटिक्स या ऐसा कहें कि किसी भी स्पोर्ट के लिए ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, पर फिर भी मिल्खा सिंह ने खुद के दम पर काफी मेहनत करी और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में भारत की तरफ से दौड़ने पहुंचे। पर एक्सपीरियंस की कमी के चलते वो शुरुआती स्टेजेस से भी आगे ना जा सके। उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर के इवेंट्स में भाग लिया था। इन्हीं इवेंट्स के दौरान उनकी मुलाकात चार्ल्स जेनकिन से हुई जो 400 मीटर की रेस के चैंपियन थे। इन्होंने ना केवल मिल्खा सिंह को इंस्पायर करा बल्कि ट्रेनिंग के लिए टिप्स भी दिए, जिन टिप्स को मिल्खा सिंह ने बखूबी अपनी ट्रेनिंग और जीवन में उतारा। मेलबर्न ओलंपिक्स के ठीक 2 सालों के बाद 1958 में हर जगह मिल्खा सिंह ही छा गए थे। उन्होंने पहले 200 मीटर और 400 मीटर में नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद इन्हीं इवेंट्स में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता। उनकी कामयाबी का सिलसिला जो यहाँ शुरू हुआ था वो आगे भी चलता रहा और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीते। इस उपलब्धि के साथ वो भारत के पहले एथलीट बन गए थे जिनके पास कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल आया था। उनका ये रिकॉर्ड कितना खास है इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2014 में विकास गौड़ा दूसरे इंडियन एथलीट बने थे जो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल ला सके थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह से मीटिंग करी और उनसे कहा कि वो पार्टीशन की यादों को भूल जाएं और 1960 के ओलंपिक्स पर फोकस करें, और मिल्खा सिंह ने ऐसा किया भी। वो अगले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने के काफ़ी करीब आए पर मेडल पा ना सके। जिस रेस में वो मेडल के लिए दौड़े उस रेस में टॉप 4 रनर्स में वो 4थे नंबर पर आए थे और इन चारों ने ही ओलंपिक गेम्स का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। शायद कोई और दिन होता तो मिल्खा सिंह ये मेडल जीत भी जाते, पर ये उनकी किस्मत में ही नहीं था। इन मेमोरीज को मिल्खा सिंह खुद भी काफ़ी बुरी बता चुके हैं। इस इवेंट के बाद भी मिल्खा सिंह की रनिंग में कोई कमी नहीं आई और वो भारत के लिए लगातार एक के बाद एक कई मेडल जीते रहे, पर एक कसक हमेशा रही कि एक ओलंपिक मेडल होता तो कितना अच्छा होता। उनको भले ही ओलंपिक मेडल की कमी महसूस होती रही हो, पर हम लोगों को कभी भी इस मेडल की कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि मिल्खा सिंह ने भारत के लिए एक दो नहीं बल्कि कई मेडल जीते थे, जिनमें भारत का पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी शामिल है। उनके द्वारा किए गए काम के चलते उनको 1959 में पद्मश्री का खिताब भी मिला था।
आप इनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 2001 में भारत सरकार ने मिल्खा सिंह को अर्जुन अवार्ड देने की बात कही तो मिल्खा सिंह ने खुद इस अवार्ड के लिए मना कर दिया और कहा कि ये अवार्ड यंग स्पोर्ट इंडिविजुअल्स के लिए है और उनके लिए नहीं। आज मिल्खा सिंह के सारे मेडल्स पटियाला के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, रोम में उन्होंने जो जूते पहने थे वो भी लोगों को दिखाने के लिए एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। वहीं मिल्खा सिंह की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने 1962 में निर्मल कौर से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है जिनका नाम है जीव मिल्खा सिंह और वो भी एक जाने माने गोल्फर रहे हैं। निर्मल कौर से मिल्खा सिंह का वादा शायद उम्र भर का था, इसीलिए निर्मल जी के इस दुनिया से जाने के महज कुछ दिनों बाद ही वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज वो भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है पर उनकी कहानी और उनकी उपलब्धियां हमेशा हमको प्रेरित करती रहेंगी। दोस्तों, यही थी कहानी मिल्खा सिंह की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।